गाइस यार पिछली वीडियो के अंदर तो आपने कमाल कर दिया, बिगेस्ट आइसक्रीम वाली के अंदर आपने जो लाइक एम था इतना जल्दी पूरा कर दिया कि हम भी तैयार हैं एक और वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है बिल्कुल शुद्ध देसी घी निकालने वाले हैं 100 लीटर दूध से। जी हाँ गाइस, तो दो फायदे होंगे। पहली चीज तो हमें जो है बिल्कुल शुद्ध देसी घी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि 100 लीटर दूध में से कितना देसी घी निकलता है। तो गाइस यार स्टेप फर्स्ट, ये पहला स्टेप है। हमारे पास ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं। उससे होगा ये कि इस कढ़ाई के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे या फिर कोई भी कीटाणु होंगे तो वो बॉइलिंग पानी से मर जाएंगे। उसके बाद में इसे फेंक देंगे और अब हमें जरूरत है 100 लीटर दूध की। चले भैंस दूने चलो। तो गाइस यार हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से घी निकालेंगे, तो जो दूध है वो भी बिल्कुल देसी लेंगे, कोई भी मिलावट नहीं। चलो 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 इसको अगर, और हम लेके आते हैं दूध। भैंस दूनी पड़ेगी ऐसे 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 करके। फ्रेश मिल्क, तो यहाँ से जो है अपने को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। पूरे 100 लीटर पूरे गांव के अंदर जाएंगे और सब जगह से इकट्ठा करेंगे। तो ये देखो ये है कच्चा दूध, अब इसको छानना पड़ेगा। पहले इकट्ठा कर लेते हैं 100 लीटर, बहुत सारी भैंसें दूनी पड़ेगी और जो हम घी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं भैंस। गाइस मूली ले लो, फ्रेश मूली अभी अभी खेत से निकाल के लाए हैं हम। अरे यार इसको जल्दी से पहुंचा के आता हूं, दूध भी निकालना अभी। तो ये हमारी भैंस का दूध है बिल्कुल प्योर, 5 किलो। तो गाइस यार 5 किलो और दूध हमें मिल चुका है, लेकिन दिक्कत ये है भैंस को दूते टाइम, मतलब भैंस की दुआरी करते टाइम अगर भैंस का दिमाग सटका तो ऐसे टक से लात मारती और गिरा देती। चलो अभी तो और। गाइस दिनेश जो है वहाँ पे भैंस से थोड़ी दोस्ती कर रहे हैं क्योंकि ये वाली भैंस मारती है। दुले 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 दुलिया कितना लीटर इस वाली भैंस के ज्यादा है दूध? तो गाइस हमारे पास लगभग 7-8 लीटर और आ गया। चलो चलो गाइस वहाँ पे हमारी काकी जी जो है वो भैंस का दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि वो वाली भैंस का निकालने की हमारी हिम्मत नहीं है, वो मारती है भाई। तो गाइस यार हम जो है भैंस का दूध इसलिए इस्तेमाल में ले रहे हैं, ऐसा माना जाता है वैसे तो कि जो गाय के दूध का घी होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन भैंस का जो दूध होता है उसके अंदर घी बहुत ज्यादा निकलता है। तो गाइस यार भैंस के मतलब वो गाय यानी कि गाय के दूध का जो पनीर होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर इस वीडियो पे 3 लाख लाइक कंप्लीट होते हैं तो हम फाइनली दूध से, जी हाँ 100 लीटर दूध से पनीर बनाने की भी वीडियो अपलोड कर देंगे, बना देंगे। तो फटाफट से लाइक करो और मैं और दूध इकट्ठा करना भी मुझे। गाइस और दूध आ गया, एक और चीज देखो पाटा भैंस को धूके लेके आ रहा है। डार्क जोक। तो गाइस फाइनली जो है इतनी शाम हो गई है, लेकिन हमने जो है पूरा 100 लीटर दूध कलेक्ट कर लिया है, अब इसे बॉइल करना होगा। चलो चलो आगे चलो चलो। गाइस बिना पानी मिलाया हुआ और बिना मिलावट का दूध है ना, अलग ही दिखता है, इतना जाड़ा जाड़ा इतना गाढ़ा गाढ़ा था। ये देखो दूध को छानना इसलिए जरूरी होता है। गाइस ये हो गया हमारे पास पूरे 100 लीटर दूध यानी कि मिल्क, और अब देखते हैं कि इतने सारे मिल्क से हम जो है कितना घी निकाल पाते हैं। अब हमें सबसे पहले दूध को बॉईल करना होगा, बट्टी तेज करो। गाइस सर्दी का मौसम है और 2 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन ठंड लग रही है तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा दूध पी लिया जाए। ये काउंट नहीं करेंगे ठीक है, 100 लीटर ही मानेंगे ठीक है। थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पीते हैं, और दूध पीने का मजा भाई इसमें आता है सकोरे में। गाइस हमारा जो दूध है अभी वो बॉईल हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसे फिर से ठंडा करना होगा, यानी कि जितना टाइम जो इसको गर्म करने में लगा है उससे 2 गुना ज्यादा टाइम इसे ठंडा करने में लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसका दही जमाना होगा, लेकिन उससे पहले इसे ठंडा करना। इस दूध को जल्दी ठंडा करने के लिए इन बड़ी बड़ी परातों का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर दूध को डाल देंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जल्दी दूध ठंडा होगा।
गाइस अभी हमारे दूध का टेम्परेचर बिल्कुल सही है दही बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर दूध बिल्कुल प्योर हो, उसके अंदर जरा सा भी पानी या कोई भी चीज मिलाई नहीं गई हो, तो भैया इतनी मोटी मोटी जो है मलाई की परत जम जाती है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो परत देख रहे हैं ना, ये मलाई की और कितनी मोटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस कितनी मोटी जो है ये मलाई की परत है। ये देखो ये है मलाई, और इसी के अंदर से जो है घी भी निकलेगा। एक तरीके से आप इसे मान सकते हैं कि यही हमारा घी है, लेकिन इसे जो है प्रोसेस यानी कि देसी तरीके से निकालने का जो तरीका वो थोड़ा सा अलग हुआ कि मलाई देखो गाइस कितनी ज्यादा। अब आप देखो यार, प्योर होती है ना चीजें तो ऐसी मलाई आती है, देखो इतनी झाड़ी। तो अब क्या करते हैं, दूध का जो टेम्परेचर है वो हल्का हल्का सा गुनगुना सा है, तो अब दही जमाने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे इनका। आप देख सकते हैं कि ये, वैसे तो हमने इसे धो लिया है लेकिन एक बार और धो लेते हैं। धो लो इनको। धोने के बाद दूध को इसके अंदर डालेंगे और फिर इससे दही जमाएंगे। दो 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 अभी दूध का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब इसका करेंगे किण्वन। किण्वन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इनके अंदर जो है अपन दूध भरते हैं। तो गाइस यार कितना गाढ़ा दूध है ये। सारे दूध को हमने इन मटकों के अंदर भर दिया है। अब इनको अंदर लेके चलते हैं रूम में किसी सेफ जगह पे, और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो ठंड के अंदर इतना अच्छा दही नहीं जमेगा। थोड़ा सा मीडियम रूम टेम्परेचर होगा ना, अच्छा जमेगा। रूम में ले चलो, चलो उठाओ एक एक उठाओ। जब दही जमाने के लिए इसमें हम पुरानी छाछ का इस्तेमाल करेंगे। कई भी और तरीकों से भी दही को जमाया जा सकता है, लेकिन छाछ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन सभी के अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी छाछ डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि दूध जो है वो फट जाएगा, और इस प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंदर काफी सूक्ष्म बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि वो पता नहीं क्या करते हैं बैक्टीरियाज, बस कुल मिला के दही बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला प्रोसेस आएगा, तो पहले इन सभी में छाछ डालते हैं। गाइस वैसे तो दही 12 घंटे के अंदर जम जाता है, लेकिन अभी सर्दियां हैं तो हम जो है 18 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में दही जम जाएगा, फिर निकालेंगे घी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो पूरे 18 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो दूध है अब वो दही के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर ये पूरे 100 लीटर दूध का हमने दही बनाया है। और अब मैं आपको दही की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारा दही जमा है गाइस। ये देखो गाइस, इसके अंदर भी दही है। ये देखो कितना जाड़ा और कितना टाइट दही है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी देख सकते हैं गाइस। तो सभी के अंदर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दही जम चुका है। ये देखो सभी के अंदर गाइस, यार मुझे लगा था कि यार थोड़ी सी ठंड है तो दही जमने में परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दही बहुत ही अच्छे से जम चुका है। अब निकालते हैं घी। गाइस दही से घी को निकालने के लिए हमें दही को बिलोना पड़ेगा, और बिलोने के लिए हमारे पास ये है बिलोना, मोटा नहीं है गाइस, ये देसी जुगाड़। तो देसी तरीके से ही दही को बिलोएंगे, तो आप देख सकते हैं कि काफी सिंपल सी चीज होती है। तो ये है बिलोना, इसको बोलते हैं मथानी, जिससे अपन दही को मथते हैं। ये है एक स्टील का ड्रम, ये है इसका जुगाड़। अब दही बिलोने के लिए हमें इसे सेट करना होगा किसी भी मजबूत चीज के साथ में, जैसे कि हम यहाँ पे पेड़ के साथ में कर रहे हैं। गाइस ये सेट हो गया हमारा देसी जुगाड़। तो आइडिया काफी सिंपल सा होता है, पहले इसके अंदर दही डाला जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला जाता है, उसके बाद में इस तरीके से बिलोया जाता है। अरे भाई क्या कर रहा है। तो हमारे पास जो मशीन भी है, ये मशीन है, जल्दी जल्दी बिलो देगा, मैं आपको करके बता दूं। तो देखो इस तरीके से, घर पे नहीं होता आपके पास छोटा सा ऐसे ऐसे करने वाला, तो ये है उसका बिगर वर्जन। चलो गाइस दही डालते हैं। गाइस देखो दही कितना प्यारा जमा है, देखना। ये देखो गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे कि घी है। ओ भाई, तो गाइस बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे पुराने टाइम में यशोदा मैया निकाला करती थी कन्हैया लाल के लिए माखन, वैसे ही।
गाइस अभी आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हमारा दही है। पहले ही से शुरुआत में ऐसे ही बिलोना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालते जाएंगे। तो गाइस चलो माखन निकालते हैं। गाइस आजकल तो मशीन से निकाल लिया जाता है, ऐसे में थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन वो फील भी आता है। गाइस ये देखो अभी हमारा घी निकलना स्टार्ट हो गया है, आई मीन मक्खन बोलते हैं इसे। ये देखो ये जो ऊपर आ रहा है ना घी, ये मक्खन, इसको बाद में गर्म करना पड़ेगा। देखो और पानी डालते थोड़ा सा। गाइस यार हम जो है थोड़े से नादान भी है, हम परफेक्ट आदमी नहीं है, तो हमारा जो हमने ज़्यादा ही पावर लगा दिया। हमने कहा यार 100 लीटर है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमने तेज करने लगे, तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे ये टूट चुका है। तो ये पहले लेके आते हैं नया, फिर घी निकलेगा। ठीक है जा जमन लेके आया, जल्दीबाजी बहुत ज्यादा कर। गाइस नई मथानी आ गई है, ऐसी बात नहीं, हमारे गांव में सबके पास होती है और ये बहुत पुरानी है। देखो इसका जो वो है ये भी चमड़े का ही है। चलो अब घी निकालते हैं यार, बहुत मेहनत लगेगी, शाम तक निकलेगा पूरा घी। गाइस इस कैंपर के अंदर हमारे पास ठंडा पानी, अब ठंडा पानी डालते हैं घी को अलग करने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं ठंडा पानी डालते ही घी इकट्ठा होने लग गया, देखना जैसे हम ठंडा पानी डालेंगे धीरे धीरे, ये ऊपर आने लग गया। गाइस यही है घी, ये देखो। गाइस ये कच्चा घी है, इसको पकाना पड़ेगा, तो कच्चा घी आप देख सकते हैं ये रहा गाइस मक्खन, ये देखो। चलो इसे इसके अंदर इकट्ठा करते हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर से मक्खन को निकाल लिया है, और ये तो मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, वरना भैया इसकी जो खुशबू है ना 5 दिन तक मेरे हाथों से नहीं जाती, चाहे मैं कितना ही हाथों को धो लूं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक मक्खन, और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ताजा ताजा ठंडी ठंडी छाछ। अभी तो और घी निकलेगा इसमें से, तो एक बार में आप देख सकते हैं कि इतना मक्खन हमने निकाल लिया है। ये देखो ये पूरा मक्खन है। गाइज ऑलमोस्ट इस वाले बैच के अंदर से सारा घी निकल चुका है, थोड़ा बहुत रहा है लेकिन काफी हद तक सारा घी निकल चुका है। अगला बैच रेडी करते हैं। वाह यार इसके अंदर देखो कितना प्यारा घी निकला है। लास्ट बैच है गाइस, हमने 100 लीटर दूध से मक्खन निकाल लिया है। जो हमारा मक्खन बेटा है वो बेटा है कितना, 13 kg 500 ग्राम। आप देख सकते हैं कि 13 किलो 500 ग्राम मक्खन है यहाँ पे। अगर इसका वेट घटा दे तो लगभग 12.5 किलो मक्खन निकला है 100 लीटर दूध से। 1 किलो की जो रेट है मक्खन की वो हमारे यहाँ पे 600 रुपए kg, यानी कि 600 रुपए kg मक्खन बिकता है। अब छाछ देखते हैं। गाइस छाछ हमें मिली है 67 kg, यानी कि इसका भगोने का वजन हटा दे तो 65 किलो। जो छाछ की रेट है वो है 20 रुपए kg हमारे यहाँ पे, 95। तो भाई 7500 का तो मक्खन हो गया, और 3200 रुपए की
छाछ हो गई, टोटल हो गए 10,700 रुपए। तो टोटल हमने 10,700 रुपए का प्रोडक्ट निकाला है 100 लीटर दूध से। वैसे तो हम जो है दूध तो फ्री का मिल गया हमें, क्योंकि हम तो अपने घरों से आसपास से इकट्ठा करके लाए थे। वैसे ये जो दूध है 100 लीटर, ये आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से लगभग 6,000 रुपए में। तो 6,000 रुपए का दूध था, उससे अपन ने 10,000 कितने का 10,700 रुपए 10,700 रुपए का प्रोडक्ट निकाल लिया है। अभी इसमें से घी और निकालेंगे, और अगर घी ऑर्गेनिक हो तो कितने रुपए किलो बिकता है? 900 रुपए किलो। तो गाइज यार और ओरिजिनल अगर टेस्ट करा के ले अच्छी जगह बेचे तो जो घी है वो बिकता है 900 रुपए किलो। तो अब देखते हैं कि इस मक्खन से कितना घी निकलता है। घी निकालने के लिए गर्म करना पड़ेगा। वाव गाइज क्या खुशबू आती है भाई जब अपन घी निकालते हैं ना, अलग ही। आप जो है खाने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जब गर्म हो रहा है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब प्योर घी निकल जाता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। सारी चीजें टेस्टी लगती है। गाइज आधा आधा करके निकालना पड़ेगा, घी ज्यादा है तो पहले इस बैच को घी बनाते हैं, उसके बाद में इसको ही बनाएंगे। गाइज आप देख सकते हैं घी निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखो ये घी है गाइज, ये देखो येलो येलो कलर का जो देख रहे हैं ना आप, यही है घी। गाइज अब हमें इसे तब तक बॉईल करना होगा जब तक कि इसके अंदर जो भी वाटर है और जो भी छाछ के रेसिड्यूज है वो उड़ ना जाए, अलग अलग ना हो जाए। गाइज जब तक हमारा घी रेडी हो रहा है आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर इस वीडियो पे 3 लाख लाइक एम्स का टारगेट पूरा होता है तो हम जो है आप सबकी फेवरेट सब्जी पालक पनीर में जो पनीर यूज होता है उसे भी देशी शुद्ध तरीके से ऑर्गेनिक वे के अंदर बना के आपको दिखाएंगे, और 100 किलो दूध से फिर देखेंगे कि कितना पनीर निकलता है। अगर 3 लाख लाइक आती 3 लाख लाइक आती काम शुरू कर दे। गाइस फाइनली हमारा जो घी है वो तैयार हो चुका है, अब इसे हमें छानना होगा। चलो इसे निकालते हैं। बंद करो। चलो गाइस इसका वेट करते हैं कि ये कितना है वजन बैठता है। ये गाइस 3 kg 450 ग्राम हमें यहाँ पे घी निकल गया है, इसका वेट बाद में निकाल लेंगे। और अभी तो हमारे पास दूसरा बैच बाकी है, चलो उसे भी गर्म करते हैं और उसका भी घी निकालते हैं। आ जाओ ठीक है गाइस, इस बार पूरा ही ले लेते हैं। गाइस इसमें थोड़ी छाछ भी आ गई है, इस छाछ को निकाल लेते हैं। रुको गाइस, छाछ और बाकी जो सारी चीजें वो अलग छान ली हमने इस तरीके से। जो पानी है वो बॉईल होके भाप बन के उड़ जाएगा, लास्ट में बच जाएगा प्योर घी। गाइस इस बार हमारा घी परफेक्टली बना है, क्योंकि पिछली बार हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी थी। ये देखो अब इसे छान लेते हैं। तो गाइस यार ये भी हमारे पास निकल गया है घी, और ये देखो कितना परफेक्ट घी निकला है। कलर देखो गाइस इसका, तो देसी शुद्ध घी कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखो इसका कलर देखो गाइस। चलो इसे तोल के देखते हैं कि इसके अंदर कितना वजन बैठता है। तो गाइस यार यहाँ पर जो है, रुको मैं हट जाता हूँ, तो ये निकला है 5 kg 300 ग्राम, जो पहले वाला था जो हल्का सा जल गया था। अगर दोनों को रख देते हैं तो टोटल हो जाता है हमारे पास 8 kg 750 ग्राम, यानी कि इसका केतली का वजन हटा दे और इसका वजन हटा दे तो लगभग हमें मिल जाता है 7.5 kg घी। वो तो हम ढंग से नहीं निकाल पाए, तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई 100 लीटर दूध से अपन लगभग 8 kg शुद्ध घी निकाल सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध घी। घी की प्राइस बता भाई। 900 रुपए। तो 9×9=72। तो भाई यार 7,200 रुपए का घी हमने निकाल लिया है। दूध कितने का था? 6,000 का। तो भाई 6 प्रॉफिट। तो भाई 1200 रुपए का प्रॉफिट भी मिल गया है, साथ साथ देशी घी खाने को भी मिल गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बार और देख लो, ये वाला घी हल्का सा जल गया था। ये देखो गाइस कलर में डिफरेंस देखो।
तो आज के लिए बस इतना, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई घी दाल बाटी चूरमा ये खिचड़ी सारी घी में बना के खाएंगे घर का घी है गाइस। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के नए टॉपिक साहब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।